पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और साथ ही पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर हड़कंप समझ गया है। दरअसल आपको बता दें कि टर्मिनेटर के नाम से विख्यात इंटरनेशनल क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम से ठगी हो रही है और लोगों ने उनका नाम लेकर लूटना शुरू कर दिया है। इसी बात की जानकारी हरभजन सिंह ने दी है और उन्होंने बताया है कि उनका फेक अकाउंट बना करके लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि कृपया करके इस अकाउंट पर किसी तरीके का रिप्लाई ना करें। पूरा मामला क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दें तो हरभजन सिंह ने एक तस्वीर को साझा किया जिसमें हरभजन टर्मिनेटर के नाम से एक अकाउंट बनाया गया, यूज़र नेम है हरभजन3। इस यूज़र ने एक फेक अकाउंट बनाकर हरभजन सिंह के नाम से लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया, ऑडियो मैसेज भेजना शुरू किया जिसमें ऑडियो मैसेज में पैसे मांगे जा रहे हैं। बस इसी बात की जानकारी हरभजन सिंह को लगी, उन्होंने इसके बाद लोगों को जागरूक रहने के लिए एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि बी अवेयर, यानी कि आप जागरूक रहें, मेरे नाम से एक फेक अकाउंट बनाया गया है और हरभजन3 ये फेक अकाउंट लगातार आपको मैसेज कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है, कृपया करके किसी तरीके का कोई भी रिप्लाई या कोई जवाब इसे ना दें क्योंकि एक फेक अकाउंट है और यह मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है। उन्होंने इसके बाद जानकारी दी कि साइबर क्राइम को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है और इस बात की सूचना साइबर क्राइम को देते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और वह इस वक्त लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। हरभजन सिंह लंबे समय तक आईपीएल में भी खेलते रहे, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी जुड़े रहे। टीम इंडिया के लिए भी उनके रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 में तीनों फॉर्मेट में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इस वक्त वह लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, राजनीति में भी कदम रख चुके हैं और आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसे में नेता और क्रिकेटर हरभजन सिंह के फेक अकाउंट को बनाकर लोगों ने ठगी करना शुरू कर दिया है। इसी बात की जानकारी उन्होंने दी है और लोगों को कहा है कि आप सचेत रहिए और किसी भी तरीके से फेक अकाउंट के इस जाल में ना फंसिए। बहरहाल ये हुई हरभजन सिंह की बात। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।